नालंदा पुलिस ने गिरियक के पास बस से उतरकर भागने के दौरान अंतरराज्यीय डकैत योगेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया। योगेंद्र महतो उर्फ मास्टर विक्रम उर्फ विक्रम सेठ उर्फ अजय चौहान सिवान जिले के खेरवा गांव का रहने वाला है। उस पर झारखंड सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के थाने में आपराधिक मामला दर्ज है। सदर DSP डॉक्टर सिबली नुमानी ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर बताया कि हरनौत थाना अध्यक्ष देव आनंद शर्मा और जिला सूचना इकाई के पुलिस अधिकारियों को रविवार को सूचना मिली कि हरनौत TVS शोरूम के मालिक के घर बीते महीने हुई डकैती का वांछित अभियुक्त झारखंड भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को गिरियक के पास बस से उतरकर भागने के दौरान पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में सदर DSP डॉक्टर सिबली नुमानी, हरनौत थाना अध्यक्ष देवानंद शर्मा, DIU के चंदन कुमार सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। स्वर्ण रानी के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। दिशा निर्देशन में वांछित अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में विशेष टीम के द्वारा TVS शोरूम जो हरनौत में उनके मालिक की डकैती हुई थी उसमें वांछित अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। महत्वपूर्ण है कि ये अंतर्राज्यीय अपराधियों के गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। जो गिरफ्तारी हुई है ये जोगेंद्र महतो सिवान के रहने वाले हैं। ये पूर्व में 2012 में रांची बरियातू में जज साहब के यहाँ डकैती के कांड में जेल जा चुके हैं। पुनः ये बिहार राज्य के कई जिलों के थाना के डकैती के कांडों में वांछित हैं, जिसमें महत्वपूर्ण गोपालगंज जिले में 7/6/2018 को एक सांसद महोदय के घर पे डकैती की घटना घटित हुई थी, उसमें ये वांछित हैं। गया, रामपुर, कहलगांव इत्यादि अन्य थाना के डकैती के कांडों में ये वांछित रहे हैं। इनके साथ साथ एक अन्य गिरफ्तारी हुई है वांछित अभियुक्त पिंटू कुमार उर्फ साधु, जो भी TVS शोरूम वाली डकैती के कांड में वांछित थे, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कई जिलों के पुलिस से हम लोग कांटेक्ट में हैं, उन लोगों को सारी सूचना दी गई है और जो अपराध कर्मी है इनसे हम लोग गहराई से पूछताछ कर अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ बरामदगी वगैरह पिंटू के साथ जो लोडेड देसी कट्टा के साथ पिंटू की बरामदगी हुई है और इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। चैनल न्यूज़ TRAM 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर